हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पे बेल आइकन है, उसे क्लिक कीजिए मेरे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। मेरे वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कोई वीडियो का रिक्वेस्ट है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज मैं जो आप लोगों से रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनने वाली रेसिपी है। ये है चॉकलेट कोकोनट बर्फी। इसके लिए हमको सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पे मैंने मिल्क मेड लिया है 100 ग्राम के आसपास, नारियल का जो है ड्राई वाला जो है चूरा लिया हुआ है, ये भी करीब 100 ग्राम के आसपास ही है। कोकोवा पाउडर लिया है 1 टेबल स्पून। अगर आपको थोड़ा डार्क चॉकलेट वाला फ्लेवर चाहिए इसमें तो कोकोवा पाउडर जो है ज़्यादा कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पैन मैंने गरम करने लग दिया है, इसमें सबसे पहले हम लोग जो है मिल्क मेड ऐड कर देंगे। अब इसमें हम लोग कोको पाउडर ऐड कर देंगे। इसे हमको जो है पूरा मिक्स करना है। देखिए अच्छे से जो है चलाते ही जाना है हमको, ताकि इसमें कोई लम्स ना पड़े। इसे एक चीज़ ध्यान रखना है, इसमें जब भी हम लोग इसका कोको पाउडर ऐड करेंगे तो ये कंटिन्यूसली चलाते रहना है, ताकि ये जो है गुठली जो बनती है वो ना बने और नीचे जो हीट आएगा तो उससे जले ना ये। ये मैं एकदम स्लो फ्लेम पे ही पका रही हूँ ये। अब इसमें हम लोग थोड़ा थोड़ा करके नारियल का जो चूरा रखे हैं वो ऐड करते जाएंगे। ये देखिए इसको अच्छे से इसमें जो है नारियल का चूरा जो है बहुत बड़ा बड़ा मोटा है, हार्ड है, तो इसमें हम लोग को 100 ग्राम की जरूरत नहीं पड़ी है। इसको थोड़ा सा हम लोग डेकोरेशन के लिए बचाएंगे। ये करीब 50 ग्राम आसपास जो है 100 ग्राम मिल्क मेड पे इनफ है। देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसको हम लोग प्लेट पे ट्रांसफर कर लेंगे। गैस का फ्लेम मैं ऑफ कर दे रही हूँ। इस प्लेट बर्तन पे जो है मैंने ऑलरेडी बर्नर लगा के रखा हुआ है, ताकि नीचे से ये चिपके ना। अब इसको हम लोग ट्रांसफर करना शुरू करते हैं। देखिए इस बर्तन पे हम लोगों ने सारा जो है ट्रांसफर कर लिया है। अब इसको इस स्पून के हेल्प से जो है चारों तरफ जो है फैलाते जाना है, और ये ज्यादा मोटा पतला ना हो इसलिए इसको सारी तरफ से इक्वल करना है। देखिए ये सब तरफ अच्छे से फैल गया है। अब इसमें हम लोग जो नारियल का चूरा रखे थे थोड़ा, वो ऊपर से ऐसा छिड़क देंगे ताकि ये बहुत सुंदर दिखे, और एक्स्ट्रा मिल्क मेड जो होगा उसको ये ऑब्जर्व कर लेगा। देखिए ये हो गया कंप्लीट, कितना सुंदर दिख रहा है ये। अब इसे हम लोग जो है जिस शेप में हमको काटना है उस साइज पे हम लोग इसको पहले से ही कट कर देते हैं, ताकि इसको जब फ्रिज में रखे तो वो काटने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो इसको पहले से मैं जो है इस नाइफ के हेल्प से काट लेती हूँ। देखिए इसको पूरा अच्छे से काट लिए हैं। बीच बीच में मैं इसमें और थोड़ा सा जो है नारियल का चूरा जो है और फैला दूंगी। अब इसको हम लोग जो है 15 मिनट तक, जब तक ये ठंडा ना हो, छोड़ देंगे बाहर। उसके बाद 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। ये 1 घंटे हो गए हमें फ्रिज में रखे हुए। इसको छू लेते ये बहुत ठंडा हो गया है और हार्ड हो चुका है ये। इसको हम लोग नाइफ के हेल्प से पीसेस को बाहर निकाल लेते हैं। देखिए हमारी नारियल चॉकलेट बर्फी जो है बिल्कुल रेडी है। आप लोग इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिए। इसमें हम लोग ड्राई वाला नारियल का चूरा यूज़ किए हैं, तो ये बहुत दिन तक टिकेगा। अगर इसको हम लोग जो है कच्चे नारियल से भी बना सकते हैं, वो थोड़ा जल्दी ख़राब होता है, तो ट्राई कीजिए इसको ड्राई नारियल से ही बनाएं। आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।